हांगकांग में प्रत्यर्पण बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग जोर पकड़ रही है। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी मुख्यालय के सामने छद्म कफन के साथ कैरी लाम की शव यात्रा निकाली, तो शनिवार को भी चीनी शहर शेंग शुई शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारी मात्रा में शुल्क मुक्त सामान खरीदने वाले चीनी बिचौलियों का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में हाथापाई और धक्का मुक्की हुई। इसको लेकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने मिर्ची स्प्रे और बैटन चार्ज कर उन्हें वापस धकेला। आपको बता दें कि हांगकांग की नेता लाम इस बिल के निरस्त होने का दावा कर चुकी हैं। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लोगों को अपने शब्दों के जाल में उलझा रही हैं। इससे पहले शुक्रवार को शव यात्रा में शामिल लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता लियुंग क्वेक हंग ने कहा, अगर लाम वाकई चाहती हैं कि देश आगे बढ़े तो उन्हें प्रत्यर्पण कानून प्रस्तावित करने के लिए माफी मांगनी होगी और बिल को आधिकारिक तौर पर वापस लेना होगा। उन्हें सच स्वीकारते हुए अपना पद भी त्याग देना चाहिए। गौर हो कि इस बिल के संदिग्ध और अपराधियों को मुकदमे के लिए चीन प्रत्यर्पित करने का प्रावधान है, जिसे प्रदर्शनकारी हांगकांग की स्वतंत्रता पर खतरा बताते हुए लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आए। विरोध के दबाव में लाम ने जून में बिल को निलंबित कर दिया था। इसके बाद भी अब तक विरोध नहीं थमा। प्रदर्शनकारी बिल को रद्द किए जाने और लाम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।